अभी हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव कहने वाले उस जगह पर। ये पटना जो लोकसभा क्षेत्र है वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हैं, यानी इंडी गठबंधन से मीसा भारती और एनडीए से रामकृपाल यादव आमने सामने हैं। ये पटना का मरीन ड्राइव है और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर जनता का मूड क्या है। भैया क्या चल रहा है? अच्छा है भैया। क्या चल रहा है? बढ़िया है। चुनाव है, क्या माहौल है? चुनाव है, ठीक है माहौल अभी। क्या अब ठीक है माहौल? अभी इलेक्शन का आ रहा है तो अभी वोटिंग होगा। हाँ, तो कौन कौन यहाँ पे खड़ा है पता है? अभी तो नहीं मालूम है कन्फर्म। अच्छा, मालूम होगा तो इसको वोट दीजिएगा, जो काम करेंगे उन्हीं को देंगे वोट। क्या मुद्दा क्या रहेगा वोट देने से पहले? मुद्दा तो रहे करेगा, काम होना चाहिए बढ़िया, बेरोजगारी बेरोजगारी दूर करना होगा। अच्छा, तो आप तो रोजगार कर रहे हैं ना, चाट बेच रहे हैं? हाँ, हम तो चाट बेच रहे हैं। तो मुद्दा जब वोट डालने जाइएगा तो क्या सोच के वोट दीजिएगा? वोट जो सर काम करेंगे बढ़िया उन्हीं को वोट देंगे, यानी जो काम करेंगे उनको वोट दिया जाए, काम के आधार पर वोटिंग की बात की जा रही है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम भारती। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने से पहले? बिल्कुल, मैं तो जुमले से शुरू करता हूँ कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। अरे जवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वाले को, बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। और ये जुमले खास के आप गंगा किनारे खड़े हैं तो विपक्ष वाले को कहिएगा। और वैसे तो चंद महीने पहले मोदी जी ने जो शेर संसद में कहा था वो शेर विपक्ष को पहुंचाइए कि अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और नीतीश चाचा भी जब इस तरफ आ गए हैं तब ये जुमले मैंने यूँ बनाया था कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में विपक्ष वालों, पीएम मोदी या सीएम नीतीश को समझना तेरे बस की बात नहीं, खौस के कांग्रेस वाले तेरे बस की तो बात ही नहीं। इसलिए मैंने एक जुमला और दिया है कि बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चचा राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मुद्दे क्या होंगे वोट को लेकर? यकीनन देश को पूरी दुनिया में आगे ले गए। कौन ले जा रहा है आगे? प्रधानमंत्री जी, बराह रास्त देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और इस वक्त सियासत की दुनिया का अगर कोई खिलाड़ी है नंबर वन तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए पूरे भारत की जनता की तरफ से कह लिया जाए, या पूरे भारत में मैं घूमता खुद रहता हूँ मुंबई दिल्ली वगैरह सब, तो मैंने ये जुमले और दिया है कि भारत के हर राज हर शहर से आती है सदा, भारत के हर राज हर शहर से आती है सदा, हम हैं पीएम मोदी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। लेकिन आप जुमला कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? नहीं, जुमले का मतलब हुआ कि ये सेटिंग करना और लफ्ज को पिरोना, वो जुमला ये जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस अंदाज से मैं तो आप कवि हैं। हल्का पल्का मैं सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि पढ़ाने से मेरा ताल्लुक है, मैं पढ़ाने का शिक्षक हूँ। लेकिन गंगा किनारे आप खड़े हैं तो विपक्ष वाले को चंद जुमले खास ले जाइए कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो चुकी है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर माँ गंगा पूरे भारत की जनता से कह रही है कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को कर दो तुम लोग बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा, इसलिए विपक्ष वालों तुम मोदी और अमित शाह जी से हरगिज ना लो पंगा, क्योंकि देश का दुनिया भर में बजा दिया है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं क्या?
मैं बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है, यकीनन है, और एकदम दमदार तरीके से ऐसे हैं कि अगर मैं मर जाऊं या मार दिया जाऊं तब ये शेर कह लीजिएगा कि पीएम मोदी के दीवाने का जनाजा है जरा धूम से निकले। चलिए इनसे सर, पीएम मोदी के दीवाने का जनाजा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते का जनाजा है जरा धूम से निकले, भारत के हर गली हर कूचे से जरा घूम के निकले। चलिए मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। ये थे जब हम बात कर रहे थे उनसे, तो इन्होंने बताया कि क्या विकास हुआ है और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार। लोकसभा चुनाव आया है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग स्किल को लेकर, वोटिंग देने से पहले, वोट करने से पहले क्या जेहन में मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो चुका है? विकास होना चाहिए और बिहार सरकार की ओर से विकास हुआ भी है। आप जहाँ भी देखें सड़क बिजली पानी सब बिहार सरकार की ओर से उपलब्ध है, और विकास का मुद्दा रहना चाहिए। बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी कुछ इस नौकरी दिए हैं और उनकी लक्ष्य है कि अगले बार जब 25 में चुनाव होगी तो 8 लाख का नौकरी देंगे नीतीश कुमार जी हमारे। विकास की मुद्दा है, यानी विकास होना चाहिए, रोजगार, विकास के साथ साथ रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार कर रहे हैं युवा हैं, क्या है ये चिकन लिट्टी है। चिकन लिट्टी है, अच्छा ये बताइए कि अब तो लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, रहेंगे इस बार? रहेंगे तब जब हम लोगों का रोजगार यहाँ रहेगा, तब जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा उसी को वोट करेंगे। तो जैसे सपोर्ट मतलब क्या? सपोर्ट मतलब कि जो रोड पे से ठेला वाले को हटा दे रहे हैं, कभी नगर निगम भगा दे रहे हैं, तो हमको जो सुरक्षित करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। हम लोग करते हड़ताल पे जा रहे हैं 3 दिन तक के लिए। अच्छा। हाँ, पूरा पटना का जितने वेंडर है सब लोग हड़ताल पे हैं, सब कल से दुकान बंद रहेगा 3 दिन तक, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बंद रखेंगे। तो आपका मुद्दा बस यही है कि हमको भैया जिससे हमारा जीवन धर्म चल रहा है उसी को ना फोकस करेंगे। हमको रोड से मतलब नहीं, हमको गाड़ी से मतलब नहीं है, हमको रोजगार से मतलब है। स्ट्रीट वेंडर को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनी? कोई पॉलिसी नहीं, सब चीज के लिए हर मतलब जो जिस इंडस्ट्री में उसके लिए सब कुछ सर्विस मिला, लेकिन हम लोग रोड पे खड़ा है तो हम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। पुलिस आया, टाइम हो गया जी बंद करो जी, 10 बजे का भी 9 ही बजे बंद करवाने आ जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर दिक्कत है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को लेकर ही बंद कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम कभी भी आया, पूरा खाली करो जी, हटाओ फुटपाथ हटाओ, हम लोग हटा के जाएंगे कहाँ? तो वोट देने से पहले ये सब मुद्दे जहन में रहेंगे? हाँ एकदम रहेंगे, जो स्वीकार करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो हमारी जो जरूरत का चीज है उनको सबसे ज्यादा माइंड करना है। क्या लगता है स्ट्रीट वेंडरों के बारे में अभी तक सोचा नहीं किसने? अभी कोई नहीं सोचा है ऐसा, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं भैया। तो स्ट्रीट वेंडर का भी एक मुद्दा, अहम मुद्दा है मरीन ड्राइव में। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हर तरह के जो व्यंजन है वो मिलते हैं, स्पोर्ट्स के भी जो तरह तरह के अलग अलग साधन हैं वो भी मिलते हैं, कई लोग यहाँ रोजगार करते हैं। तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनका कहना है कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर जो सांसद बात करेंगे, जो प्रत्याशी बात करेंगे, उसी को वोट करेंगे। इस बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का 2024 में, क्या मुद्दा रहेगा? ऐसे इस बार तो तेजस्वी आएगा। कौन आएगा? तेजस्वी जी। क्यों? क्योंकि वो नौकरी भी दिया है बहुत का, इसलिए सबको विश्वास है कि इस साल उसी को लाएंगे पीएम। नीतीश जी कह रहे हैं वो नौकरी दिए को। नीतीश जी, नीतीश कुछ नहीं किया है, नीतीश कुछ नहीं किया गरीब के लिए, कुछ नहीं किया नीतीश, वो अपना मतलब ही है। हम लोग देखिए, मेरे शादी का 10 साल हो गया, आज तक न राशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिला है सरकारी मेरे मुझे, तो किसको वोट देंगे? हम किसी को नहीं वोट देंगे। वोट दीजिएगा ही नहीं? नहीं देंगे, इतना बड़ा उम्र हो गया 20 साल, आज तक किसी को वोट नहीं दिए हैं और न देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरे लिए कुछ किया ही नहीं तो देंगे क्या? क्या हमको सहारा दिया कुछ? तो वोट की ताकत को पहचानिए, जो नहीं किया उसको हटाइए। वही है, देखेंगे इस साल देखते हैं, अगला पीएम बना के देखेंगे इस साल अगला देखते हैं, चेंज करके देखते हैं वो क्या कर सकता है मेरे लिए और पब्लिक के लिए। क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में, चुनाव जो है? भैया देखिए, तो हम लोग के लिए करेगा उसी के हम लोग पाएंगे, तो नहीं करेगा उसके लिए हम नहीं पाएंगे, बात समझ गए।
अब जैसे बिहार है, बिहार में 10 कंपनी डाल देगा तो बिहार का आमदनी बाहर तो नहीं जा सकता है, बिहार में अपना दो रोटी पाल के बाल बच्चा के पाल सकता है। अब बताइए कि बिहार से जा रहा है गुजरात, दिल्ली, बम्बई, ये सब जा रहा है, बाल बच्चा के छोड़ के जा रहा है किस लिए? 2 रुपये कमाने के लिए। वह रोजगार बिहार में रहता तो बम्बई या गुजरात नहीं जाता। यानी रोजगार मुद्दा है। हाँ जी, रोजगार बिहार में चाहिए। जैसे मरीन ड्राइव मिल गया, बहुत जनता जी रहा है, बहुत दुकानदार बहुत बहुत दूर दूर के आमदनी आके यह कमा रहा है, बाल बच्चा पल रहा है। ऐसा ही बिहार के अंदर में कंपनी चाहे कुछ भी दे सकता है तो बाहर नहीं जा सकता है कमाने। भैया बात समझ गए हैं? बिल्कुल। तो ये जो मरीन ड्राइव है, कई लोगों को इसने रोजगार दिया है, हजारों की संख्या में दुकानें हैं जो रोजी रोटी यहाँ अपना कमाते हैं, कई छोटे छोटे स्टॉल हैं चाट के, समोसे के, गोलगप्पे के, आइसक्रीम के, हर तरह के, लिट्टी चोखे के, पान के, तरह तरह के जो छोटे छोटे स्टॉल हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं और अपनी रोजी रोटी करते हैं, रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर जो इस बार जो लोगों से बातचीत हो रही है उनमें मिला जुला जो रिएक्शन है चुनाव में जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहेंगे उसको लेकर, एक तो सबसे पहला मुद्दा ये है रोजगार, दूसरा स्ट्रीट वेंडर जो मुद्दा है वो पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर की जो समस्या है उसको परमानेंट करने के लिए या स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाकर इन लोगों को परमानेंट यहाँ रोजगार देने को लेकर, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं, कुछ और मुद्दों को की तलाश हम लोग करते हैं। ये बताइए कि चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है। क्या ठीक ठाक? चुनाव के बारे में सर हम क्या कहें, वोट दीजिएगा ना? वोट तो सर देंगे सर। तो क्या मुद्दा रहेगा, वोट देने जाइएगा तो क्या हुआ है, क्या होना चाहिए सर? क्या होना चाहिए तो सर हम नहीं बता सकते, लेकिन हम सर वोट देंगे सर, अपना जो मतदान है वो तो सर हम देते हैं, वो देंगे सर जाके हम अपना मतदान, जिसको देना है वो उसको हम देंगे सर। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं किसको देंगे, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे वोट देने से पहले? आई डोंट नो सर, हम ये तो सर नहीं बता सकते। चलिए, मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, वैसे तो मुद्दे पर कई सारे लोग हैं जो बात करने को तैयार हैं और कुछ लोग तैयार नहीं भी हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, लोकसभा चुनाव है सांसद का, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार बढ़िया नहीं रहेगा, इस बार तो टक्कर के रहेगा। क्या टक्कर का रहेगा? बीजेपी और कांग्रेस में इस समय टक्कर रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस में, तो आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके जेहन में क्या ऐसा मुद्दा है जो जैसे मान ली कुछ काम हो गए या कुछ काम होने चाहिए, तो क्या मुद्दे रहेंगे वैसे? ये सब मुद्दे में क्या हम बतावे, इसमें हम नहीं बोल पाएंगे। आप किसी को वोट दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो जेहन में होगा ना सवाल कि ये बदलना चाहिए या ये हो चुका इसलिए इनको देना चाहिए। इसमें बहुत चीज़ बदलना चाहिए, इसमें बदलना चाहिए बहुत चीज़, इसलिए हम सोचे हुए हैं किसी और को वोट दें जो जीते, कुछ नया चीज़ काम करें। क्या नया काम? कुछ बदलाव चाहिए। इतना सारा तो बदलाव हो गया, मरीन ड्राइव बना, ये मेन यहाँ बदला, यहाँ कुछ अब कल से कुछ मालूम चल रहा है, यहाँ से हड़ताल होने वाला है। अंधे आदमी को बदलाव नहीं दिखाई देता है ना। चलिए, कुछ और लोग हैं पीछे से बोल रहे हैं, जी बताइए। बिहार में अंधे आदमी को बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, जो अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं, 15 साल पहले हम लोग कहाँ खड़े रहते थे, अभी बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अब कब लोग दिखाई देगा बदलाव, भगवान जाने। इतनी बिहार में बदलाव हो चुका है, इतनी बिहार में ओवर फ्लाई हो चुका है, फ्लाई ओवर आपका मरीन ड्राइव है, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं किनकी देन है? पटना चलने के लिए और रहने के लिए कैसा पोजीशन था 15-20 साल पहले, जहाँ हम लोग आते थे जाते थे कि लग रहा था कि मोटरसाइकिल में पंचर हो जाता था। आज हम लोग का क्या है, गाड़ी का साधन नहीं था, बहुत चीज़ है, बदलाव तो है। अब कितना बदलाव चाहिए? तो इस बार आप बदलाव के साथ हैं? बदलाव के साथ है, बदलाव हुआ है और हो, ऐसी सरकार रहे कि और हो,
यही तो होना चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, बदलाव चाहिए आज। रोड अच्छी चाहिए, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सब चीज़ तो हम लोग को मोटा मोटा। देखिए अब हर घर में तो हर चीज़ बदलाव नहीं ना मिलेगा, हर घर में हर चीज़ बदलाव किसी को हुआ है? पांच लड़का है तो माँ बाप तो पांचों को खुश नहीं रख सकता है, तो क्या जाने यहाँ लोग को हर घर में खुशहाली चाहिए। तो मोदी जी चाहे नीतीश जी चाहे वर्तमान सरकार पहले थे तो भी तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, अनकिए हैं, लेकिन अभी तो बदलाव बहुत अच्छा है देखिए। अच्छा ये बताइए कि और क्या बदलाव हो सकते हैं? और मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि और बदलाव, जैसे शिक्षा की तरफ पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ना कुछ मिलता था, लालू सरकार का राज्य था, कुछ नहीं था हम लोग को। अभी हम लोग के बच्चे लोग पढ़ रही है तो बहुत सारा स्कूल में मिल रहा है सब, आहार पोषण पैसा वगैरह, किताब कॉपी का भी छूट है, पढ़ाई पर भी जोर हुआ है। तो और आगे और अच्छा बदलाव हो, यही रिक्वेस्ट है सरकार से। बिहार बदला है और बदलाव की ज़रूरत है। तो लोगों का कहना है कि बिहार में 15 साल पहले क्या माहौल था और अब क्या है आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर चकाचक सड़कें, मरीन ड्राइव, यहाँ पर लोगों का आना, हज़ारों लोगों का रोजगार करना, ये बताता है कि बिहार किस तरह आगे बढ़ रहा है, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। आप आइसक्रीम बेचते हैं, चुनाव है, क्या माहौल है, क्या बदला और क्या बदलना चाहिएगा? हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं बता सकते हैं। क्यों, वोट देने की ताकत तो है ना, वो वोट एक ताकत है। दियाएगा जो जीतेगा उसके। तो जो जीतेगा उसको ऐसे ही दे दीजिएगा वो। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन जीत रहा है? माहौल बता देता है। अच्छा जरा हमें भी बताइए कि माहौल कैसे पता चलता है? अब अपना हम लोग डिस्टेंस नहीं कर सकते। मतलब आपने कहा कि जीत जो जीतेगा उसे वोट दे देंगे, तो कैसे पता चलता है कि कौन जीत रहा है? हमको समझ में नहीं है। टोला समाज में लोग बोलता है, समाज में नहीं आ रहा है आपका कह रहे हैं, छोड़िए ना। अच्छा चलिए, ये इनका जवाब बहुत संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ क्या मुद्दे रहेंगे। चाय, चाय नहीं टाइम, चाय बेचते हैं आप? हाँ, चाय है। क्या नाम है आपका? मेरा घुट्टो सा हुआ। अच्छा ये बताइए कि चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, क्या बदला और क्या बदलने की जरूरत? ये हम नहीं बता सकते हैं भैया, हमको मालूम नहीं है उतना, ये सब नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं नहीं। वोट दीजिएगा ना? हाँ भाई, वोट का ही नहीं देंगे। तो वोट दीजिएगा तो वोट तो देने जाइएगा ना, ये सोच के किसने बदला, क्या करना या इसको बदलना है, क्या मुद्दा रहेगा, यही तो पूछ रहे हैं। अब उतना तो मेरे आइडिया नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं नहीं हम, ये बात है, ये सब में भले पूछ लिए, इसे पूछे बताए। कौन बढ़िया काम किया? देखिए कौन काम किया है अब हम क्या बताएं, सब काम ही करते हैं, बढ़िया करते हैं, कोई खराब नहीं करते हैं, सब बढ़िया काम करता है। तो सब बढ़िया करते हैं भैया, किन को खराब कहिएगा। तो आप वोट देने जाइएगा तो ये सब ध्यान में रखिएगा। जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मिली जुली प्रतिक्रिया रही, कोई खास नहीं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे इस बार हैं, क्या मुद्दा बता सकते हैं सर? और यहाँ से, हाँ, यहाँ से वही तेजस्वी यादव आएंगे। अच्छा क्यों? तेजस्वी यादव युवा सरकार है, युवा के लिए काम करेंगे कुछ। अच्छा हाँ, तो क्या माहौल है, आप क्या बदला और क्या बदलने की मतलब कोशिश होनी चाहिए नई सरकार को? कोशिश होनी चाहिए कि युवाओं के रोजगार के लिए बिहार में बहुत कमी है, कंपनी या फैक्ट्री कहीं पे भी नहीं दिखता है, जो भी था वो खत्म हो गया, पहले था जो खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। रोजगार मुद्दा रहे, रोजगार मुद्दा रहेगा। अच्छा ये खत्म तो हुआ तो जब तेजस्वी यादव के पिताजी थे उसी वक्त से इंडस्ट्री जानी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव का पिताजी थे तब, उस समय तो हम लोग नहीं थे ना भैया, अब नया सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो नए सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? यही रोजगार के लिए। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है,
जो चुनावी मुद्दा है उसमें एक बड़ा मुद्दा है रोजगार। देखिए उधर बुला रहे हैं। हाँ तो कुल मिला, अच्छा चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। क्या है, क्या बना रहे हैं, क्या है? तंदूरी चाय का भट्टी। तंदूरी चाय, यानी वो मिट्टी वाले बर्तन में बनाएंगे आप? तो ये तो उस तरफ ज्यादा है, बख्तियारपुर की तरफ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा, मतलब आपकी तो आरजेडी का हम वोट हमेशा देते हैं, आरजेडी का वोट देते रहेंगे। तो मतलब आप आरजेडी कार्यकर्ता हैं? जी। आरजेडी में सदस्यता लिए हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब हम लोग, मतलब मैंने हमारे बाबू जी जो थे वो आरजेडी से फैन थे, आरजेडी को वोट देते थे। अच्छा। हम लोग भी आरजेडी का वोट देते हैं। अच्छा, तो आरजेडी से ये कौन खड़ा है अभी? हम लोग के तरफ रोनी आचार्य है। अच्छा। सारण से, सारण लोकसभा, सारण के हैं। यहाँ मरीन ड्राइव में आप क्या करते हैं? यहाँ तंदूरी चाय का काउंटर है। तंदूरी चाय जी। तो क्या बदला आपके क्षेत्र में और क्या बदलने की जरूरत है? अब देखिए नया सांसद बनेगी, उसे आगे क्या परिवर्तन करेगी, अब बनने के बाद में ना। अभी तो सारण के सांसद मतलब काफी दिन हो गया, मतलब आरजेडी का बना हुआ, दो बार से तो जदयू का है, उससे पहले आरजेडी का था। तो उस समय हम लोग का तो होश आवास नहीं था, हम लोग क्या जानते हैं। लेकिन अब हम लोग को होश आवास हुआ तो हम लोग अब जानेंगे कि मतलब अब क्या करना चाहता है, नया यदि परिवर्तन हो तो कुछ दिखे। यानी कुल रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और कई ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी समर्थित हैं, जो एकदम पहले से उनका मूड है कि उनको किनको वोट करना है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बर्गर, आप बर्गर बेचते हैं? अच्छा ये बताइए कि चुनाव है जी सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? तेजस्वी आएंगे। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि देखिए नई पीढ़ी के हैं, नई उमंग, हर तरह का नया विकास होगा। और ये जो हैं पलटू चाचा जी, उनका तो बात ही अलग है। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नई सरकार अगर बनती है तो क्या उम्मीद रहेगी उससे? उम्मीद ये रहेगी कि रोजगार आएगा। हाँ, लेकिन रोजगार की बात हो रही है तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है, तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट नहीं ले रहे, क्योंकि देखिए वो आपकी नई नई पीढ़ी के हैं, उनका नया तरह का सोच भी रहेगा। इसलिए देखिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, एक जगह कोई भी अगर रहता है तो उसका साठ घाट अलग होता है, इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जी सर जी, तो परिवर्तन जरूरी है और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मरीन ड्राइव में जो क्षेत्र है जहां पर हजारों वेंडर हैं, वहां पर दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर है और रोजगार को लेकर मुद्दा बड़ा है। और जनता वोट डालने से पहले इन मुद्दों का ध्यान रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज नेशन, पटना।